हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नारियल और मरवा की मिक्स चटनी, जो व्रत में खाई जाती है। व्रत में खाने के लिए हम चटनी को बनाएंगे, तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा नारियल, अदरक और हरी मिर्ची, कुछ मरवे के पत्ते और एक टमाटर कटा हुआ। टमाटर आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो शुरू करेंगे। इसके लिए हमने मरवे के पत्तों को मिक्सी में डाल लिया है और टमाटर को काट करके डाल लिया है। साथ ही हम जो चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं वो वाले मसाले डालेंगे, थोड़ा सा हरा नारियल, कच्चा नारियल, और दो तीन हरी मिर्चें, और थोड़ा सा आधा इंच टुकड़ा अदरक का काट के हमने इन सभी को मिक्सी में डाल लिया है। और स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। यहाँ पर आप काली मिर्ची और भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें एक दो टुकड़े बर्फ़ के डाल देंगे तो इसका कलर भी हरा रहेगा और अच्छा रहेगा। और ये हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसमें इसके अलावा आप और जो कोई भी व्रत के मसाले खाना चाहें वो आप डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा मसाले व्रत में नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने कम मसाले डाले हैं। अब हम इसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी चटनी को हमने निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल गरम करके चटनी को छोंक लगाएंगे। इसके लिए हमने थोड़ी सी राई, एक लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, इसको तेल में या आप चाहें तो इसको देसी घी में भी लगा सकते हैं। छोंक को तैयार करके हम इसमें मिक्स करेंगे। इस चटनी को हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कुट्टू के पकोड़े या सामक के चावल, जो भी हम व्रत में खाते हैं हर किसी चीज़ के साथ हम इसको खा सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।